व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत के अपना टेक्नो डीएस में। इस चैनल में आपको मिलेगा हर एक नए स्मार्टफोन का रिव्यू, साथ ही साथ कई सारे टेक्नोलॉजी के फैक्ट, साथ ही साथ कई सारे। तो पहली न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में आप अभी 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड का स्टेटस में वीडियो डाल सकते हो। 15 सेकंड से ज़्यादा आप स्टेटस में वीडियो नहीं डाल सकते हो, और यह फीचर बीटा टेस्टर में आ गया है। साथ ही साथ अभी नए वर्जन में भी शायद अभी तक आ गया होगा। यूट्यूब ने दूसरी अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने अभी अपनी वीडियो क्वालिटी 480 पे लॉक कर दी है, मतलब 480 से ज़्यादा क्वालिटी में वीडियो नहीं दे सकते। हालांकि यह यूट्यूब की सिर्फ एंड्रॉयड इंडिया में, तो सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र पे ही शायद है। अगली न्यूज़ आ रही है जियो की तरफ से। जियो के फ़ोन में रिचार्ज आप अभी एटीएम से भी करवा सकते हो। रिलायंस जियो ने ट्वीट की तरफ से कहा है कि अभी आप लोग AUF, एक्सिस, DCB, HDFC, ICICI, IDBI, IDLC, SEB एंड SBI के ATM थ्रू आप अपना जियो रिचार्ज करवा सकते हो। अगली न्यूज़ आ रही है पीयर केयर फंड की तरफ से। पीयर रिलीफ फंड में आप लोग बहुत सारे पेमेंट मोड से डोनेशन दे सकते हो। कोरोना की महामारी की वजह से आप लोग पेटीएम, गूगल पे और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर अपना पेमेंट करवा सकते हो। साथ ही साथ आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप बने उतना आप डोनेशन दीजिए। अगली एक अपडेट आ रही है MIT की तरफ से। MIT की एक टीम ने सस्ता वाला वेंटिलेटर बना दिया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट बोल रहा है यह। में उन्होंने एक अम्बु बैग का AMBU बैग का उपयोग किया और ये सिर्फ $100 में बना हुआ है। एक नेशनल इमरजेंसी लाइब्रेरी खोल दी है, उसमें आपको 1.4 मिलियन ई बुक्स फ्री में मिल सकती है। तो जल्दी जल्दी जाइए। वन प्लस की तरफ से एक अपडेट जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर वापस मिलेगा। मतलब ये फीचर आपको वन प्लस 6 में मिला हुआ था, लेकिन बैटरी इसमें ड्रेन हो रही थी, इसलिए ये फीचर वापस वन प्लस ने निकाल दिया था। अभी वापस ये नए फ़ोन में ये फीचर लाने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।